हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आप आज यहाँ पे देते हैं हम आपको आपके फेवरेट शो से जुड़े इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी के स्टार्टिंग में क्या कुछ दिखाया जाएगा, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हो और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी पीहू के साथ, जो कि प्रिशा को बताती है कि विद्युत ने कैसे उसे चोर से बचाया था। प्रिशा उससे कहती है कि अभी सब ठीक है ना। पीहू कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे प्रिशा कहती है कि ऐसे क्यों लगता है कि विद्युत जैसे तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता है। और साथ ही साथ प्रिशा कहती है कि अब तुम कॉलेज अकेले नहीं जाओगी। पीहू कहती है कि अरे भाभी, वो छोटा सा इंसिडेंट था, अब तो आप उसे भूल जाइए। तभी वो रिमाइंड कराती है कि कैसे उसे शॉपिंग पर जाना है, इसलिए हमें तो गुड मूड में होना चाहिए। प्रिशा कहती है कि हाँ, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि रूही सारान से कहती है कि आज मैंने मम्मा को पार्किंग एरिया में देखा कपूला होटल के। आगे वो कहती है, लेकिन मम्मा ने ऐसे बिहेव किया जैसे वो मुझे जानती ही नहीं है। वो पता नहीं ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी जैसे वो मेरी मम्मी नहीं है, और ये कहकर कि वो रोने लगती है। मीनवाइल प्रिशा पीहू से कहती है कि पता है तुम्हें, जब मैंने उस बच्ची को देखा था ना पार्किंग एरिया में, तो मुझे उसके साथ कुछ कनेक्शन सा महसूस हुआ। मैं चाह रही थी कि मैं उसे जाकर के हक करूं। मेरा दिल उसे रोता देखकर बहुत बुरी तरीके से टूट रहा था। पीहू कहती है कि अरे भाभी, आपको इसलिए ऐसा लगा होगा क्योंकि आप बहुत अच्छी पर्सन हो, आप किसी को भी उदास नहीं देख सकती ना। प्रिशा कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। इधर रूही सारान से कहती है कि मैं तो प्रिशा मामा की बेटी हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि वो मुझे देखते ही हक करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन लगता है कि मम्मा मुझे भूल गई हैं। सारांश कहता है, रूही तुम रोना बंद करो, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि उन्होंने तुम्हें देखा ही ना हो, इसलिए हम जाएंगे कपूला होटल कल मम्मा से मिलने। तभी यहाँ पर प्रिशा के बारे में बात करते हुए रूही कहती है कि लेकिन हम वहाँ अकेले नहीं जा सकते। सारांश सुनकर के कंफ्यूज हो जाता है। तभी रूही उसे बताती है कि कैसे रुद्राक्ष ने ये डिसीजन लिया है कि तुम और सारांश कहीं भी अकेले नहीं जाओगे। तभी वो कहता है कि ठीक है, तो हम प्रिशा मम्मा से कहीं और जगह मिल लेंगे। तभी रूही कहती है कि नहीं, मम्मा तो कल एक पार्टी अटेंड करने जा रही हैं। और तभी सारांश और रूही डिसाइड करते हैं कि ये दोनों भी उससे वहीं मिलेंगे। रुद्राक्ष यह प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को डांटता है और कहता है कि अब तक तुम्हारे पास प्रिशा की कोई खबर नहीं है। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर कहता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें हॉस्पिटल के CCTV फुटेज से कुछ भी पता नहीं चला, और मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ प्रिशा मैम को ढूंढने के लिए। रुद्राक्ष उससे कहता है कि तुम प्रिशा को अरमान के ज़रिए भी नहीं ढूंढ सकते, तो किस बात के इन्वेस्टिगेटर हो तुम? चाहे जो हो जाए, कुछ भी करके तुम पता लगाओ कि अरमान आखिर लौट कर क्यों आया है दिल्ली और वो कहाँ रह रहा है। तभी वो कहता है रुद्राक्ष उस इन्वेस्टिगेशन से कि तुम्हें नहीं पता, पहले अरमान प्रिशा से प्यार करता था, इसलिए मुझे लगता है कि अरमान के साथ में प्रिशा के गायब होने का कनेक्शन जुड़ा है। इधर अरमान घर पहुंचता है, चाचा जी को बताता है कि आज रुद्राक्ष ने मुझे देख लिया, इसलिए हमें जल्द से जल्द मुंबई लौट जाना चाहिए। तभी प्रिशा और पीहू शॉपिंग से लौट आती है और अरमान उनसे कहता है कि हमें मुंबई लौटना होगा। प्रिशा कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और वो उसे उस इंसिडेंट के बारे में बताती है और कहती है कि मैं अब पीहू को अकेला नहीं छोड़ सकती। इधर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रुद्राक्ष से कहता है कि अरमान कपूला होटल में अपनी फैमिली के साथ रह रहा है। रुद्राक्ष समझ जाता है कि रिसेप्शनिस्ट ने उससे झूठ बोला अरमान के लिए। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर उसे इन्फॉर्म करता है कि अरमान बहुत जल्द एक पार्टी में जाने वाला है, जो कि कल होगी कपूला होटल में ही अपनी फैमिली के साथ। तभी रुद्राक्ष को रियलाइज़ होता है कि उसी पार्टी में तो उसे भी इन्वाइट किया गया है। तभी वो डिसाइड करता है पार्टी अटेंड करने का, और वो कहता है कि ये मैं वंशिका की हेल्प से करूंगा। बाद में बच्चे भी पार्टी में जाने के लिए सुनकर एक्साइटेड हो जाते हैं और रूही किचन में जाती है, आइसक्रीम खाती है। तभी वो देखती है कि रुद्राक्ष भी वहाँ आया है और आइसक्रीम खा रहा है। ये दोनों मिलकर के आइसक्रीम खाते हैं और एक काफ़ी स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं। यही हो जाएगा शुरुआत के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।